VP Singh, branch head of HDFC Bank in Central Delhi, gets straight to the point. He proceeds to inform our undercover reporter about a ready-made arrangement he has with another bank. Here is the first step in converting your money to white. मेरे सोर्स हैं कि मैं दूसरे बैंक में कहीं भी कैश का डीडी बनता नहीं है। वो तो आपका पार्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका पार्ट है। तो कैश को कन्वर्ट करने का एक दूसरा बैंक है, मैं उसके कॉन्टेक्ट से सारा कुछ दे दूंगा। व्हाट दे टेक, दे टेक 800 रुपीज पर लैक। The HDFC branch manager summarizes the modus operandi for the reporter's benefit. अब मैं इसको 50 लाख को मैं डिवाइड बाय 3 करता हूँ तो कितना पड़ रहा है? 15-15 मान लो आप। 15 मोटा मोटा समझ में आ जाएगा, 45 लाख हो गया। ठीक है, अब 15 लाख के हिसाब से मैं एक सैप प्रोडक्ट दूंगा जिसमें कि सालाना आपको 3-3 लाख के करीब में आपको देना है 10 साल तक। आपको मैं लॉकर दे दूंगा, लॉकर में आपका कैश रख लो, कैश का डीडी बन जाएगा, डीडी में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये जो है आपका कितना 70-80-88 लाख से जो है आपका वापस मिलेगा, वापस मिलेगा पूरा वाइट होके। ये आपको डीडी ही बन कर देगा, कुछ कहीं भी कैश कराने किसी अकाउंट में भी, अरे वो सर मंगा के तो सीधे आपके नाम पे आएगा, आप अपने अकाउंट में कर सकते हो और आप इसको इन्वेस्टमेंट इस समय जो शो होगा उस समय आपको शो करते समय ये करना पड़ेगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मेरा पैटर्नल चला आ रहा है जो कि मुझे मिला है। बहुत बड़ा, किसी को भी इनकम टैक्स में कहीं दिखाना नहीं, कर देना नहीं, नहीं क्योंकि ये सेविंग एश्योरेंस प्लान है। तो मुझे, मैंने आपको पे कितना करा HDFC को? 50 लाख आपने, मैंने 50 लाख पे करा आपको कैश में, आपने मुझे 88 लाख रुपीज लौटा दिया पूरा वाइट करके, ठीक राइट। The branch head suggests to our reporter to park his black cash in HDFC's Savings Assurance Plan, or SAP as the bank likes to call it. Invest 5 lakh rupees every year for 10 years and get back 88 lakh rupees and in full white. The branch manager also advises a tax-free manner of declaring the maturity amount. Ye paternal chala raha hai. Indeed. Laundering black money is as easy as that. And the crime does not have to be restricted to the national territory. HDFC Bank will enable you to transfer your black money overseas in parts. This is clear evidence of a blatant financial scam being engineered inside the most trusted bank in the country. Locker mein 5-7 crore dal rahe hain, wandana ye pooch rahi thi jo inki wife Amanti ji ki कि हमें जो है ये पैसा ये इंग्लैंड भेजना है थोड़ा थोड़ा करके, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ऐसा करना है कि आपका 1 लाख तक का डॉलर तक का 1 लाख डॉलर साल का आपका वो रहता है। तो कितना हुआ 1 लाख डॉलर का? 1 लाख डॉलर के हिसाब से आपका हो गया 50 लाख तो हो गया, इतना ही निकल जाए। हमें थोड़ा थोड़ा, हमें जल्दी नहीं है, हमें कोई बहुत जल्दी, फरवरी में आएगा ये पैसा, फरवरी में आने के बाद में ये लॉकर में रख देंगे हम उसको। अभी सबसे पहले तो करते हैं इंश्योरेंस, ये वाला पार्ट ठीक है ना, इंश्योरेंस हो जाएगा, दूसरा फिर उसका लॉकर में रख देंगे उसको, लॉकर से धीरे धीरे जो भी हमें करना है, लॉकर से आप सेविंग में धीरे धीरे 40,000-50,000 करके आप डलवा, 50 के नीचे धीरे धीरे करके। अच्छा, डेली वो लॉकर खोलेंगे फिर रोज आना पड़ेगा यहाँ पे हमें? डेली नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 लाख लेकर डलवा दे, ऐसा नहीं कि 10 लाख वो आप ही करते रहिएगा, हम तो आपके हैंड ओवर कर देंगे चाबी, मालिक कहीं नहीं जाना नहीं है, विश्वास जब इतना है तो आपने कह दिया तुझे वीपी सिंह, तो नहीं ये चीज हम तो सब कुछ आप ही के हाथ देंगे, आप ही से करवा। चलिए ठीक है, तो इसका स्लिप तो मुझे कब देंगे? चेक आउट द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस सजेस्टेड बाय द ब्रांच हेड। सिक्योर द इनसेन लंप ऑफ कैश इन अ लॉकर, ट्रांसफर द ह्यूज लंप ऑफ कैश इनटू द बैंक सेविंग्स अकाउंट्स इन पार्ट्स, एंश्योर दैट द अमाउंट ट्रांसफर्ड इज ऑलवेज अंडर 50,000 रुपीज। Such are the illegal internal operations at HDFC Bank. Accepting insane amounts of cash, transferring the cash into savings accounts, and subsequently routing the black money into various investment plans or make a remittance to foreign accounts. If it can't be done legally, the bank will circumvent the law. तभी तो मैं वो दूसरे प्लान्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरे प्लान्स में क्या होता है कि वो
उसमें मेडिकल और ये सब वो सब चाहिए, ठीक है। देखिए सर, मेडिकल करने का मतलब हुआ कि अंडर राइटर के पास गया, अंडर राइटर का करने का मतलब हुआ कि सरकार को डिस्क्लोज करना हुआ कि इतना पैसा आया। ओ माय गॉड, तो वो नहीं मैं करना, इसे वो स्टेप दे रहा हूँ जिसमें कि कोई आपका जल्द अंडर राइटर और ये सब वो सब प्रॉब्लम ना ही नहीं पड़े। होगा, सीधा सीधा चुपचाप जाता रहेगा, और 10 साल के बाद मैं अपना विड्रॉ करके अपना कहीं पे भी उसको लगा दूंगा। Right from the head of the branch down to the lower rungs, laws are being flouted at every step of the way. Everyone is guarding a dirty secret. Hard to digest? Ask any employee. Even guided tours of bank locker rooms are on the menu for well-heeled clientele. हाँ, बड़ी ब्रांच है आपका तो। कितनी बड़ी ब्रांच है? बुक साइज। बुक साइज? बुक साइज ज़्यादा है। कितने करोड़ में? 50 करोड़। हैं? Oh my God. करोल बाग की 50 CR की ब्रांच है। हमें लॉकर बड़ा वाला चाहिए कैश रखने के लिए, कौन सा सेफ रहेगा? तो ऑलरेडी इसमें तो सब रख लो, कैश का पड़ा होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है? लॉकर नहीं है। इसमें भी कैश रखा आपने? नहीं, मैंने नहीं रखा, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी। अच्छा 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 नहीं तो और तो पड़ा ही होगा ना, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था? As bank's official informs our reporter, सब रखते हैं। Everybody stashes their cash in these lockers. Only we didn't know. It's about time that our tax authorities did a guided tour of these loaded lockers.